आज आपको एक गार्डन नहीं मिला, हज हाउस नहीं मिला। मुमरा में कौन सी पार्टी का संगठन है? हाँ, सत्ताधारियों का संगठन जो पैसे पे लोग खरीदते। आपको पता नहीं मुमरा में कितना आक्रोश है। महिलाएं मुमरा की वो नेतृत्व करेगी, दलाल नहीं करेंगे। आने वाले दिन अलग है। महेश दामोदर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज भिवंडी के सपा विधायक रईस शेख ने स्कूल के बच्चों को मिलने वाले स्कॉलरशिप का इनॉग्रेशन किया है। इस मौके पर विधायक रईस शेख के साथ आदिल खान आजमी, कलीम जमई ऐसे समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के मुमरा कार्यालय पर स्कॉलरशिप का बेहतरीन काम किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मुमरा शहर के कई बुनियादी मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी को कभी उठाते हुए नहीं देखा गया है। एक समय था जब मुमरा में समाजवादी पार्टी के कई नगर सेवक थे, मगर आज मुमरा में समाजवादी पार्टी जीरो पर है। आम जनता जो मुमरा शहर की है, उनका ऐसा मानना है कि चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी कोई मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारती ही नहीं है कि जिस पर भरोसा करके उसे चुना जा सके। वहीं विधायक रईस शेख खुद ये कह रहे हैं कि मुमरा वालों को गार्डन नहीं मिला और हज हाउस नहीं मिला। मगर इन्हीं समाजवादी पार्टी के कलवा मुमरा के विधानसभा अध्यक्ष आदिल खान आजमी हैं। इन सब मुद्दों पर कभी भी आदिल खान आजमी को भी आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा गया है। समाजवादी पार्टी मुमरा के ग्राउंड पर स्कॉलरशिप को छोड़कर बाकी किसी मुद्दों पर कभी भी आवाज़ नहीं उठाई है पिछले कुछ सालों में। वहीं रईस शेख ने यह भी कहा है कि सत्ताधारी संगठन के लिए लोगों को खरीदती है और खरीदे हुए लोगों से संगठन नहीं बनता है। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक रईस शेख ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं मेरी समाजवादी पार्टी की मुमरा कलवा कौसा की पूरी टीम, आदिल भाई, कलीम जामाई साहब सर है, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खिदमत खल्क का इतना अच्छा काम वो यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने देखा कि आज बहुत सारी ख़वातीनें, मेरी माँ बहनें, नौजवान सब यहाँ पे आए हैं और एक बहुत बेसिक सरकार की सुविधा जो सरकारी स्कीम्स होती है उसके लिए जो है यहाँ फॉर्म भर रहे हैं। दरअसल ये सरकार का काम है कि अपनी स्कीम्स को जो है वो लोगों तक पहुँचाए, लेकिन क्योंकि सरकारों ने काम नहीं किया, मैं मुबारकबाद दूंगा आदिल भाई, कलीम भाई की टीम को कि वो सरकार का काम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, हजरत बेगम महल और बहुत सी स्कीम्स के फॉर्म ये भर रहे हैं। दो चार स्कीम्स मैं भी ऐड करके जाऊँगा। मुबारकबाद इस बात की कि मतलब मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी 7,000 से ज़्यादा फॉर्म भर रही है, 4 सेंटर चला रही है। और ये मतलब ये फिक्र होनी चाहिए कि माइनॉरिटीज़ में किस तरह से काम हो। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पिछली सरकार जो थी, और मुझे कहने में अफसोस होता है कि इसी शहर के आमदार माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, उनकी 31 स्कीम के ताल्लुक से मैंने असेंबली में बात की और आने वाले हफ्ते में भी मैं बात करूंगा। 120 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप के लिए रखा था माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसका 40% यूज़ नहीं हुआ। उर्दू घर का पैसा यूज़ नहीं हुआ, हज हाउस का पैसा यूज़ नहीं हुआ। तो पिछली सरकार ने बहुत मतलब मैं समझता हूँ बहुत ही गलत काम किया है, इस तरह से माइनॉरिटीज़ की स्कीम लोगों तक नहीं पहुँचा पाए लोग। लेकिन हमारी कोशिश है, मैंने पिछली सरकार से भी बात किया था और आज भी बात की है मौजूदा सरकार से भी, कि आप लोग माइनॉरिटीज़ के लिए एक टास्क फोर्स बनाइए और ये जितनी स्कीम्स है, जिस तरह से आदिल भाई एक मॉडल, कलीम भाई एक मॉडल लेके चले हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर बना रहे हैं, फॉर्म्स भर रहे हैं, वैसे इंफॉर्मेशन सेंटर सरकार बनाए या तो एनजीओस को सपोर्ट करे। ये मुतालबा हम कर रहे हैं, पिछली बार भी मैंने अपने भाषण में किया, कल भी मैं परसों भी करने वाला हूँ। और भी बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे कि अभी मैं जिनको फॉर्म दे रहा था उनका बच्चा हैंडीकैप है और आज भी ये मेरी बहन को सरकार की तरफ से जो सरकार ने स्कीम बनाई है कि उस हैंडीकैप को 1200 रुपये मिलना चाहिए, वो तलाकी नहीं कर पा रहा है। मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफ़ी चलती है कि कलेक्टर को हमेशा कहा जाता है कि आप रिव्यू लीजिए, ख़ास तौर से थाना डिस्ट्रिक्ट में जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान है, भिवंडी हो, मुमरा हो, कि आप रिव्यू लीजिए और ये ज़रूरतमंदों तक पहुँचिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो बरसों बरस सरकारों में रहे,
ये उनकी नाकामयाबी है कि समाजवादी पार्टी और आदिल भाई कलीम भाई जैसी टीम को रास्ते पे उतरकर अपनी ताकत पे इस तरह से काम करना पड़ रहा है। तो मैं मुबारकबाद भी दूंगा और आगे हम लोग मुमरा शहर में, मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया हूँ क्योंकि मैं खुद एक नया आमदार हूँ और भिवंडी के अपने मसाइल है, लेकिन आदिल भाई कलीम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं मुमरा की आवाम से अपील करूँगा कि समाजवादी पार्टी पर भरोसा कीजिए, ये आपकी घर की पार्टी है, आपकी पार्टी है। अबू आसिम आज़मी साहब ने 25 साल इसी राज्य में संघर्ष करके इस पार्टी को खड़ा किया है। माइनॉरिटीज़ की बात करती है पार्टी, हमारे दलित भाइयों की बात करती है, जितने भी कमज़ोर वर्ग है महाराष्ट्र में उसकी बात करती है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से हम महापौर बनाने जा रहे भिवंडी में, थाना में भी आदिल भाई कलीम भाई की मर्ज़ी के बगैर, आसिम भाई के पास आए बगैर मेयर नहीं बनेगा। एक बड़ी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे, लोग हमारे साथ हैं। लोगों को लगता है समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर है, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी उन पार्टियों से कई गुना अच्छी है कि जो ताकत में रह के काम नहीं करते। हम दो आमदार हैं लेकिन हम पूरे महाराष्ट्र में काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रईस भाई, समाजवादी पार्टी के यहाँ पर मुमरा शहर में कई नगर सेवक थे, लेकिन आज ऐसा वक्त है कि नगर सेवक है ही नहीं, और चुनाव के टाइम पे ऐन वक्त पे जाके जो नामांकन होता है वो समाजवादी पार्टी के लोग वापस ले लेते हैं। और आप लोग कोई भी मुमरा शहर का बुनियादी मुद्दा कभी उठाते ही नहीं है, सिर्फ एक ऑफिस खुली है, यहाँ पर स्कॉलरशिप होता है, अच्छी बात है। इसके अलावा मुमरा शहर में समाजवादी पार्टी जमीनी तौर पर कोई भी काम करते हुए नजर नहीं आती। देखिए, नगर सेवक होना नहीं होना ये चलता रहता है। समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में आवाज़ उठाती है। और सुनिए, मैं आपको बोलता हूँ, संगठन ये इतना बड़ा नहीं तो क्या है, मुमरा में कौन सी पार्टी का संगठन है? हाँ, सत्ताधारियों का संगठन, जो पैसे पे लोग खरीदते हैं, वो संगठन नहीं होता। ये आवाम जो मुमरा की ना, हमारे साथ है और ये आपको दिखेगा। खाली लोगों को खड़ा करना है, हिम्मत देना है। और मैं आपसे कहूँगा कि मुमरा के लोगों को कि अन्याय मत सहिए। आज आपको एक गार्डन नहीं मिला, हज हाउस नहीं मिला, अरे भाई आदिल भाई से अच्छा उम्मीदवार मैंने नहीं देखा। इंशाल्लाह ताला आदिल भाई की नेतृत्व में नई नौजवान नस्ल आएगी। आपको पता नहीं मुमरा में कितना आक्रोश है। भिवंडी में आके, मेरी ऑफिस में आके देखिए, यहाँ से लोग बाइक पे वहाँ पर आते हैं और बोलते रही शेख आप मुमरा आइए। नौजवान जो है ना मुमरा का, वो नेतृत्व करेगा, महिलाएं मुमरा की वो नेतृत्व करेगी, दलाल नहीं करेंगे। आने वाले दिन अलग है।